So hello viewers, welcome to my YouTube channel Medical Learning. Today we are going to discuss about what is lipid profile test. Lipid profile test क्यों किया जाता है, किसी भी कोई भी पेशेंट जो होता है उनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों दिया जाता है, इनके बारे में जानेंगे। साथ जानने वाले कि जो होता है लिपिड प्रोफाइल या फिर कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट करना हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप इस टेस्ट को नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति में आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। तो इन कंडीशन में ये टेस्ट हमारे लिए नेसेसरी क्यों हो जाता है, क्यों कराना चाहिए ये टेस्ट, और इनके करा इन इस टेस्ट के कराने के बाद कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे इनका इलाज किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। इस टेस्ट का उपयोग किन किन कंडीशन में किया जाए, सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा लिपिड प्रोफाइल जो होता है। लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड के सैंपल के थ्रू ही इस टेस्ट को किया जाता है, जिसका उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है उसको पता लगाने के लिए, या फिर क्या होता है अन्य लिपिड्स जिसे फैट्स बोलते हैं, फैट्स के लेवल को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ठीक है, और बॉडी में फैट का लेवल कितना है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो लिपिड्स, जैसे कुछ लिपिड्स आपको LDL होते हैं, HDL होते हैं, ठीक है, VLDL होते हैं, और फिर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ठीक है, किस अमाउंट में इसका कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में है, या फिर फैट, ठीक है। फैट से आप ये मतलब भी आता है कि कोई मोटा व्यक्ति है तो मोटे व्यक्ति में भी क्या होता है आपके इसमें फैट देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जानते हैं जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो टेस्ट क्यों किया जाता है, आखिर कोई भी जो होता है डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों देते हैं, जैसे कि किन्हीं पेशेंट में क्या होता है उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जांच करना होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के जांच के कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर लेवल को मापने के लिए सबसे पहले इस टेस्ट को दिया जाता है, ठीक है। अब ये बॉडी अगर भी किसी वो व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए दिया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के बाद बॉडी पे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि किन्हीं व्यक्ति को क्या है दिल की बीमारी का खतरा जानने के लिए इस टेस्ट को दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपके यहाँ जितने भी आर्टरीज होते हैं आर्टरीज के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज होते हैं कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा होने लगते हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होने लगते हैं, और ब्लॉकेज होने के बाद वहाँ पे क्या होता है एरिया कम हो जाता है, ठीक है। जब एरिया कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका बॉडी में जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक आने की संभावना रहती है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचाव के लिए इस टेस्ट को करवाना चाहिए, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज की निगरानी, हम पहले ही बता दिया आपको कि क्या करता है, आर्टरीज को बंद कर देता है दोनों तरफ से, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है, एरिया कम होने के बाद प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है उस पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है, तो उनमें भी क्या होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जांच की जाती है। कोई पेशेंट जो होता है डायबिटिक मेलाइटिस का शिकार होता है, किसी पेशेंट में डायबिटीज़ की समस्या बहुत दिनों से देखने को मिल रही है, मोटापा आदि की समस्या है, तो उनको भी क्या होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट दिया जाता है। पेट से जुड़ी कई प्रकार की बीमारी, जेनेटिक बीमारी हो जाती है उनमें दिया जाता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किन्हीं को हार्ट अटैक की समस्या रही है पिछले, तो उनको भी क्या होता है आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और नियमित हेल्थ के चेकअप के लिए जो होता है इस कंडीशन में भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक बार खुद से भी आपको करा लेनी चाहिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इससे क्या होता है आपके जो बॉडी में हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो सबसे पहले कम हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के जो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के लिए इन पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल के क्या होता है आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कुल कितना होना चाहिए, उसका रेंज क्या है, तो शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बताते हैं, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है
तो उसका बताते हैं, अगर आपके बॉडी में कितना है तो कितना रहना चाहिए, आपके बॉडी में लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगा तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की खतरा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एच डी एल क्या होता है, HDL जिन्हें हाई डेफिशियंसी हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन बोलते हैं। इनको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, HDL को इन्हें गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब देखिए कैसे बोला जाता है, तो हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट, ये जो होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है LDL को भी साथ लेके चलता है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, तो ये आपको ग्रेटर देन 40 से लेकर के फीमेल में ग्रेटर यानी 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और फीमेल में क्या होता है 50 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है आपके बॉडी में जो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या माने इसका मतलब कि हमारा HDL को जब बढ़ता है तो HDL के बढ़ने से बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलते, बाकी वो अगर हमारे हार्ट के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। नेक्स्ट जो होता है इसका जो नेक्स्ट आपको इसमें जो लिपिड्स हो जाते हैं हमारे लिपिड्स में, जैसे कि LDL मतलब क्या हो जाता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको, या फिर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं। इनको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो विच कैन द काउजेज ऑफ ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, ये क्या करता है आर्टरी के अंदर जो हमारे आर्टरीज होती है आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज करने का काम करती है, कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू, यह क्या है, यह हमारा LDL है, ठीक है। अगर यह HDL रहता तो HDL प्रॉपर जो होता है हमारे आर्टरीज के थ्रू चल जाते हैं, लेकिन ये क्या है, यह हमारा LDL है। LDL क्या होते हैं, LDL यहाँ पे जमा होते रहते हैं, ठीक है, और ये प्लग के रूप में जमा रहते हैं, किस रूप में, तो यह प्लग के रूप में यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं और दोनों तरफ ब्लॉकेज का काम करते हैं, बीच में पतला हो जाता है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एरिया कम हो गया तो ये यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिन्हें LDL बोलते हैं, इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इनके ज़्यादा होने से आपको हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रोक आने की ज़्यादा समस्या हो सकती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट जो हमारा लिपिड्स होता है आपको VLDL होता है, ठीक है। VLDL क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लेपोप्रोटीन होता है, ठीक है। इट्स अनदर टाइप ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विद ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ठीक है। जैसे कि VLDL जो होता है वेरी लो डेंसिटी लेपोप्रोटीन होता है, यह ट्राइग्लिसराइड से जुड़ा हुआ एक प्रकार का खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है, ये आपको ट्राइग्लिसराइड से जुड़ा रहता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं हमारा ट्राइग्लिसराइड्स और टाइप ऑफ फैट, ये फैट यानी एक चर्बी का प्रकार है, एक चर्बी यानी वसा का प्रकार है प्रेजेंट इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे शरीर में उपस्थित एक प्रकार का फैट है, एक वसा है, विच स्टोर इन द एज एनर्जी, यानी ये क्या होता है हमारे बॉडी में जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, किस रूप में, तो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ट्राइग्लिसराइड मौजूदा वसा फैट का एक प्रकार है, जो कि हमारे बॉडी में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, इसका एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं जो हमारे बॉडी में जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में कैसे हम इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन हमारे लिए गुड होता है, कौन हमारे लिए बैड होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स में जैसे कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं LDL क्या होता है, स्टोर्स कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL जो होता है या ब्लड स्ट्रीम में जो होता है, जो कि आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अंदर ये स्टोर होता है, ठीक है। इनमें मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, किनमें, तो LDL में मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिनके कारण वह क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल HDL जो होता है, HDL में मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, जिनके कारण इनमें क्या होता है, गतिशीलता होती है और एक जगह नहीं रुक करके पूरा जितने हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम है उनमें घूमते रहते हैं, ठीक है।
तो जिनके कारण क्या होता है, हमारा एलडीएल जो लो, जिनका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, तो वो एक ही जगह इकट्ठा होकर के प्लग के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं, दोनों तरफ ब्लॉकेज होता है, ठीक है, जिनके कारण क्या होते हैं, वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हमारे हार्ट में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, हमें स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। करने का क्या प्रोसीजर होता है, करने के लिए सबसे पहले हाउ टू डू लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको 8 से 12 घंटे तक फास्टिंग जरूरी होता है। किसी भी पेशेंट को सबसे पहले क्या करना होता है, अगर उसका लिपिड प्रोफाइल परफॉर्म करना होता है तो उनको 8 से लेकर के 12 घंटे तक उनका फास्टिंग जरूरी होता है, यानी भूखे पेट उनको करना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में क्या होते हैं, ब्लड के कंपोजिशंस को देखा जाता है, ठीक है, ब्लड में कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग क्या, उनमें क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। अगर इनके अलावा उनमें क्या होते हैं, जैसे कि LDL हो जाते हैं, HDL हो जाते हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं, इनका परसेंटेज उसमें मापा जाता है, अकॉर्डिंग टू जितना उसका लेवल के अंतर्गत आता है तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल होता है, अगर लेवल से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा कम होता है तो उनको एबनॉर्मल माना जाता है, उनमें लिपिड प्रोफाइल की, उनमें क्या होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।